तो वहीं आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जेल जाने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का क्या दावा नहीं कर सकते हैं। हमारा ये पहले दिन से ही मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का और दिल्ली को लूटने का काम किया। मुझे उम्मीद है दिल्ली की जनता अपने किरदारों को भी जल्द देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते।